2022-23 का बजट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को दी कई मनोहर सौगात। कहा, गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना सरकार का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने साल 2020 और 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। गुरुग्राम की किसान पूजा शर्मा को भी किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा, ये गौरव की बात है कि भारत की वित्त मंत्री भी एक महिला है जिन्होंने देश को प्रगतिशील बजट दिया है। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए प्रदेश के छात्रों ने जताया सरकार का आभार। कहा, सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए मुहैया करवाई गई निःशुल्क सुविधाएं। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2022-23 के बजट को महिलाओं को समर्पित किया। बजट में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को मुख्यमंत्री ने अनेक सौगातें देने के साथ प्रदेश की बेटी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम 5 लाख का पुरस्कार आरम्भ करने की घोषणा भी की। घोषणा करता हूँ, यह पुरस्कार हरियाणा की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय उपलब्धियां की हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र व 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा कि प्रदेश की महिलाओं ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की और अधिक भागीदारी होने के लिए 50% स्थानों पर भागीदारिता बढ़ाने की घोषणा भी की। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर सभी स्तरों पर कुल सीटों का आधा करने के लिए कानून पारित किया है। मुझे आशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव में इस बड़े कदम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिलने में सही मायनों। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। उन्होंने कामकाजी महिलाओं को भी सस्ती आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके तहत पंचकुला, गुरुग्राम व फरीदाबाद में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के कुंडल छपार व सोनीपत जिले के गन्नौर में 3 नए महिला महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। समस्या का सामना करना पड़ता है, इसके लिए 3 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में ऐसे मकान बनाए जाएंगे जो महिला हॉस्टल के रूप में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने के लिए सहयोगी होंगे। सरकार भिवानी के कुडल व छप्पर तथा जिला सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज खोलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा में प्रदेश का आम बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इस बार का बजट भी गरीब व्यक्ति से शुरू किया गया है। परिवार पहचान पत्र के डाटा इस्तेमाल करके सरकार नई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को मुफ्त में कोई चीज देने की बजाय उसे अपने पैरों पर खड़ा कर आत्मनिर्भर बनाने की ओर जोर दिया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि हमने गरीब व्यक्ति से ही शुरू किया है और जो अपना परिवार पहचान पत्र का ये डाटा है, इस डाटा के आधार पर हम नई नई योजनाएं सब शुरू कर रहे हैं कि उन गरीब व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ मिले। व्यवस्थाओं को ठीक करने का विचार किया है और उन व्यवस्थाओं के आधार पर यदि हम लोगों के रहन सहन का लिफ्ट अपलिफ्ट करें तो वो कैसे सुधरे। किसी को फ्री में दे देना ये एक बात है, अगर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाए तो ये उससे बड़ी बात है। जनत में ये है कि सबको उद्यमी बनाओ, उद्यमी अगर आप बनाएंगे तो फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 1,80,000 से कम आय वर्ग के प्रत्येक परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के सभी ESI अस्पताल भी आएंगे।
इसके अलावा 3 लाख रुपए से कम आय वाले दिव्यांग जनों के इलाज की प्रदेश में अलग से व्यवस्था की जाएगी। गरीब परिवारों की 2 वर्ष में 1 बार निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच होगी। एक हम स्वास्थ्य में 180 से नीचे सब लोगों को आयुष्मान केंद्र जोड़ दिया। पहले आधे थे आधे नहीं थे। कुल मिलाकर के अगर कहें तो 15.5 लाख परिवार ही उसमें एलिजिबल थे और अब जा करके एलिजिबिलिटी हो जाएगी है 28-30 लाख परिवारों की। दिव्यांग को भी जिसके परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम है ऐसे और 70% से ऊपर दिव्यांग हैं ऐसे लोगों की अलग व्यवस्था इलाज की वो भी रखी गई है। 2 वर्ष में 1 बार जो ये गरीब परिवार हैं इनकी निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा समितियों के माध्यम से लोकसभा की तर्ज पर पारित करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विषयों पर विधानसभा की 8 समितियों के गठन की घोषणा की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ये महिलाओं की समानता के लिए प्रयास तेज करने का भी आह्वान करता है। इस वर्ष महिला दिवस की थीम है #breakthebias यानी पूर्वाग्रह तोड़ें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि आइए हम उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने और उनमें से प्रत्येक को अपने सपनों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति का अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत सरकार सम्मान और अवसरों पर बल देते हुए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर लगातार ध्यान देती रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी नर की सफलता नारी के बिना अधूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। बधाई देता हूं क्योंकि किसी भी नर की सफलता नारी के बिना अधूरी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 29 महिलाओं को साल 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश के गुरुग्राम की किसान पूजा शर्मा को महिलाओं के कौशल विकास सशक्तिकरण और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंटरप्रेन्योर हैं, आपको महिलाओं के कौशल विकास तथा सशक्तिकरण तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कार्यक्रम में शामिल गुरुग्राम की किसान पूजा शर्मा ने इस बातचीत को काफी उत्साहवर्धक बताया। कर रही हैं, जैसे ईनाम सेवा उन्होंने दी है, FPO बनाए हैं जिनसे किसान एक साथ जुड़ के एक छत के नीचे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त पोषण और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि भारत की वित्त मंत्री भी एक महिला है जिन्होंने इस बार देश को बहुत प्रगतिशील बजट दिया है। महिला दिवस आप सबको शुभकामनाएं और ये भी गौरव की बात है कि हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है जिसने इस बार देश को बड़ा प्रगतिशील बजट दिया है।
वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है। हमारे देश की निर्भरता अब दूसरे देशों पर कम से कम हो, इस बारे में मंथन आवश्यक है। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार के निरंतर प्रयासों से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से स्वदेश पहुंचे प्रदेश के छात्रों ने सरकार का आभार जताया है। यूक्रेन से तो विदेश लौटे हिसार व नरवाना के छात्रों ने कहा कि विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें निरंतर सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क मुहैया करवाई गयी। सर लगातार 2.5 दिन से वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और उन्हें खाने के लिए हमने बोला तो कह रहे हैं मेरी भूख वैसी मर चुकी है। तुम सर सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को निकालने, और सबसे बड़ा धन्यवाद इंडियन गवर्नमेंट का सर, एयर इंडिया का, इंडियन एयरफोर्स का, स्पाइस जेट क्रू मेंबर जितने भी एयर इंडिया में लगे हुए हैं, हर एक उस बंदे का सर जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों को निकालने के लिए सबका हम धन्यवाद करते हैं। हमें रोमानिया के बॉर्डर तक पहुंचाया बसेस से, फिर हम वहां बॉर्डर तक पहुंचे, फिर उसके बाद हम रोमानिया कंट्री में एंटर किए तो वहाँ हमें सब कुछ प्रोवाइड किया, जैसे फूड वगैरह, शेल्टर हमें दिया, मतलब गवर्नमेंट ने भी हमारी इस चीज़ में बहुत मदद करी। हमारा खर्चा कुछ भी नहीं लगा, जिसमें हमारे खाना पीना भी था, शेल्टर भी थी, प्लेन की टिकट थी, बसेस थी, कुछ भी हमसे नहीं लिया, बस सरकार के द्वारा ही हमारे। वहीं छात्रों के परिजनों ने कहा कि सरकार ने इन कठिन परिस्थितियों में छात्रों का भरपूर सहयोग किया। सरकार ने अपने खर्च पर छात्रों को सुरक्षित वापस लाकर अभूतपूर्व कार्य किया है, इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। यह कि मेरा बच्चा सुरक्षित मेरे घर पहुंच गया, इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम तो यही चाहते हैं कि जो बच्चे वहां फंस रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाल कर इंडिया वापस उनके परिवार के अंदर भेजा जाए। हमारे तो जान में जान आएगी जी, लड़की आएगी तो, नहीं तो इतना खतरा हो गया था कि कदे लड़की आवे इंडिया, सोचो बात आ गई दिल में जी। हैं मोदी जी का इतना भला हो जी जो हमारे लड़के भेज दिए। सरकार का बहुत धन्यवाद है, हमारी पोती जान में जान आ गई, और मैं तो कहूँ सब बच्चे अपने घर पहुँचने चाहिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया वर्ष 2022-23 का बजट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को दी कई मनोहर सौगात। कहा गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना सरकार का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने साल 2020 और 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। गुरुग्राम की किसान पूजा शर्मा को भी किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा, ये गौरव की बात है कि भारत की वित्त मंत्री भी एक महिला है जिन्होंने देश को प्रगतिशील बजट दिया है। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए प्रदेश के छात्रों ने जताया सरकार का आभार। कहा सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए मुहैया करवाई गई निःशुल्क सुविधाएं। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।